तो भाई लोग जो अफगानिस्तान है ना वो आया है इंडिया के दौरे पे क्या करने, इंडिया टीम का भर्ता खाने। तो भाई लोग क्या अफगानिस्तान सच में इंडिया टीम का भर्ता बना पाएगा या इंडिया बोलेगा भाई साहब बच्चे हो यार हमारे सामने तुम हमें भर्ता बनाने की सोच रहे हो, चलो आओ कैसे बनाते हो भर्ता हम थोड़ा सा देखते हैं तुम्हें। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें भारत की जो टीम है T20 में बढ़िया खेलती है लेकिन इस बार ही सारे खिलाड़ी वापस आ चुके हैं जो पुराने खिलाड़ी हैं, तो कौन खिलाड़ी हैं कौन नहीं है। और अफगानिस्तान की टीम ऐसी है आपको पता है ना इनको हल्के में नहीं आ सकता। जो पहला T20 मैच होगा इसमें क्या होगा, कौन सी टीम आज का मैच करेगी अपने नाम वो हम जानेंगे। अगर वैसे सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो चार मैच खेलेंगे दोनों टीमों के बीच में और जो होना था वही हुआ, चार के चारों मैच भारत ने अफगानिस्तान को पीट दिया। तो अफगानिस्तान अभी तक इंडिया से एक भी T20 मैच नहीं जीत पाया, तो क्या वो आज पलटेंगे या फिर भारत बोलेगा ना जी ना वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप का साल है तो हम ऐसा होने होने ना देंगे। चलो एनालिसिस करते हैं, जानते हैं क्या होगा आज के इस मैच में। बस उससे पहले छोटू सा काम कर दो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक और साथ में ना भाई का टेलीग्राम भी तो ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आपको पता ना क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं और सभी मैचों की जो वीडियो है ना प्रेडिक्शन वीडियो उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन सभी मैचों की प्रेडिक्शन देना मुश्किल नहीं है। कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम पे। अगर आपको सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन चाहिए तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी या फिर जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करके आ जाओ। तो भैया ये जो मैच है ना थर्सडे 11 जनवरी इंडिया टाइम अनुसार 7 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली के मैदान पे, ये जो मैच है वो खेला जाएगा इस मैदान पे। इससे पहले जो T20 है ना उसके इंटरनेशनल के सिर्फ 6 मैच खेले गए जिसमें से 2 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ, 4 मैच में टारगेट चेज। आप बोल लोगे कि चेज थोड़ा सा ज्यादा होता होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे चेज और डिफेंड बराबर का होता है क्योंकि जो IPL के मैचेस ज्यादा खेलेंगे वहां से मैंने आंकड़े देखे थे। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 183, मतलब इस मैदान पे ठीक ठाक रन बनते हैं। टारगेट चेज की बात करें 175 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 191 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड भी हो सकता है। 175 से 191 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला तो बराबरी का आ गया भाई साहब, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ का जो तो सरफेस है ना वो थोड़ा सा हार्ड है, बाउंड्री लेंथ की बात करें तो मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, तो यहाँ पे जो पिच है ना वो बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है दिखती है। शुरू में 2-3 ओवर तेज गेंदबाजों को जो गेंद है वो हेल्प करती है, घूमती है, लेकिन उसके बाद जो बॉल होता है ना बैट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, चाहे फिर वो तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर्स गेंदबाज हो, सबकी पिटाई सिटाई यहाँ पे चलती रहती है। हाँ, जो गेंदबाज वेरिएशन बहुत अच्छी करते हैं चाहे वो तेज गेंदबाज हो स्पिनर्स गेंदबाज हो, उनको थोड़ा बहुत परचेस मिलता है यानी विकेट मिल जाता है, नहीं तो सबकी पिटाई उटाई चलती रहती है। इसलिए मुझे लगता है जो आज का मैच होगा ना ये तो भैया हाई स्कोरिंग होने वाला, हाई स्कोरिंग होने का मतलब है जो आपको 6 ओवर का पावर प्ले है उसमें आपको 47 से 52 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 175 से 190 के बीच में देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने 4 मैच खेला जिसमें से 3 मैच जीता, बस 1 मैच हारा, यानी जो भारत की परफॉर्मेंस होती है मोहाली के मैदान पर वो तो बढ़िया होती है। अफगानिस्तान पहली बार इस मैदान पर T20 मैच खेलेगा, जब पहली बार खेलेगा तो क्या ही कर पाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपन करते नजर आएंगे, तीसरे नंबर पे विराट कोहली, चौथे नंबर की बात करें तो संजू सैमसन, पांचवे नंबर पे रिंकू सिंह, छठवें नंबर की बात करें तो शिवम दुबे, सातवें नंबर पे अक्षर पटेल, आठवें नंबर पे आपको दिखेंगे कुलदीप यादव, 9वें नंबर की बात करें तो अर्शदीप सिंह, 10वें नंबर पे आवेश खान और 11वें नंबर पर मुकेश कुमार। ये होने वाली इंडिया की पहले मैच की पॉसिबल प्लेइंग 11। दोस्तों तो अफगानिस्तान की बात करें तो रहमान उल्ला गुरबाज के साथ हजरत उल्ला जजाई ओपन करते नजर आएंगे, तीसरे नंबर पर इब्राहिम जादरान, चौथे नंबर की बात करें तो अजमत उल्ला उमरजई, पांचवें नंबर पर नजीब उल्ला जादरान, छठवें नंबर पर मोहम्मद नबी, सातवें नंबर की बात करें तो करीम जन्नत, आठवें नंबर पर किंग खान यानी राशिद खान, 9वें नंबर पर मुजीबुर रहमान, 10वें पर नवीन हक और 11 पे फजल हक फारूकी। तो ये हो सकती है अफगानिस्तान की इस मैच की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब करते हैं हम यहां पे कंपैरिजन, तो इधर होंगे रोहित मैन शर्मा। आपको पता है ना आज के टाइम पे जितनी बढ़िया शुरुआत ये करते हैं कोई कर ही नहीं पाता,
और एक्सपीरियंस की बात करें तो अच्छे अच्छों के बाप है, तो आज के टाइम पे ना रोहित शर्मा के आगे कोई भी बैटर खास करके ओपनर टिकी नहीं पा सकता। इधर हैं हजरतउल्लाह जजाई, सॉरी रहमानउल्लाह गुरबाज की बात करें, ये भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है, ये भी ताबड़तोड़ शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भैया जो एक्सपीरियंस रोहित शर्मा को वो कहां से लाओगे। तो यहां पे जो रोहित शर्मा है ना रहमानउल्लाह गुरबाज से बेहतर नजर आ रहे हैं। उसके बाद इधर हैं हजरतउल्लाह जजाई, पहले ताबड़तोड़ खेलते थे, अभी थोड़ा समझदारी के साथ खेलते हैं, तो मतलब ठीक ठाक बल्लेबाज है लेकिन जो परफॉर्मेंस रहती है इनकी कुछ खास नहीं रहती है। और इधर हैं शुभमन गिल, जो अपने घर मतलब इंडिया की सरजमी पे ना चाहे T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, हर जगह जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, तो शुभमन गिल के आगे हजरतउल्लाह जजाई कहीं के भी नहीं टिकते थे। इधर है आगे विराट कोहली, भैया रन मशीन कोहली, इनका सामना किससे है पता है? इब्राहिम जादरान से। अगर हम यहां पे कोहली की बात करें तो आप सबको पता है ना, इनसे मुझे तो लगता नहीं इनसे अच्छा बैटर आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा, बहुत खतरनाक बल्लेबाजी आप करते हैं, आप सबको पता है। इब्राहिम जादरान भी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी एक ही कदम चला है, जहां ये मतलब मंजिलों को छू रहे हैं विराट कोहली, इब्राहिम जादरान ने बस एक ही कदम चला है। हालांकि बल्लेबाज अच्छे हैं लेकिन फिर भी विराट कोहली के आगे तो इब्राहिम जादरान बिल्कुल भी नहीं टिकते। उसके बाद इधर हैं अजमतउल्लाह उमरजई की बात करें तो पिछले एक सालों में जो परफॉर्मेंस करी है ना भाई जबरदस्त करी है। लॉन्डन ने बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी भी करके दी है। इधर है संजू सैमसन की बात करें तो इनको मौके बहुत मिलते हैं और इनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है, एक मैच में बढ़िया करते थे, एक आधा दो मैच में फ्लॉप भी हो जाते, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो अजमतउल्लाह उमरजई है ना कहीं संजू सैमसन को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। उसके बाद और आगे चले, इधर है रिंकू सिंह की बात करें तो खतरनाक भैया, एक दो सालों में जो परफॉर्मेंस इन्होंने करी है ना पूरे जहां में सिर्फ रिंकू ही चल रहा है, कमाल की फॉर्म में। और इधर है नजीबउल्लाह जादान की बात करें तो अफगानिस्तान के लिए सबसे बढ़िया फिनिश यही करते हैं, मतलब इतने छक्के मारते हैं ना वो देखने लायक होता है। तो अगर यहाँ रिंकू सिंह बढ़िया फॉर्म में है तो नजीबउल्लाह जादान भी खतरनाक बल्लेबाज है, तो मुझे लगता है नजीब और रिंकू का जो मामला है ये तो मुझे बराबरी पे नजर आ रहा। और आगे चले तो इधर होंगे मोहम्मद नबी द लीजेंड, मतलब आप सोच सकते हो कितने दिनों से मैचेस खेल रहे हैं, जो इनकी गेंदबाजी होती है T20 में चार ओवर की वो भी बढ़िया होती है, जरूरत पड़ने पे बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करके देते हैं, हालांकि पिछला एक आता दो साल बल्लेबाजी में उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया। और इधर हैं शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे भी कमाल के ऑलराउंडर हैं, जो गेंदबाजी थोड़ा बहुत कम करते हैं लेकिन बल्लेबाजी में काफ़ी ज़्यादा दमखम दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह का एक्सपीरियंस है मोहम्मद नबी का ना उस बिहार पर देखें तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे थोड़ा पीछे रह जाते किससे, मोहम्मद नबी से। और आगे चले तो इधर हैं अक्षर पटेल की बात करें तो भैया हमेशा बढ़िया परफॉर्म करते हैं, चाहे हाथ में गेंद हो फिर बैट में बल्ला हो, मतलब क्या खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी इनको उतने ज़्यादा मौके मिलते नहीं जड्डू की वजह से, लेकिन जब जब मौका मिलता है बढ़िया परफॉर्म करके देते हैं। और इधर हैं करीम जन्नत की बात करें तो करीम जन्नत भी काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है अप डाउन चलती रहती है, इसलिए मुझे लगता है जो अक्षर पटेल है ना वो करीम जन्नत से काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद और आगे चले तो इधर कौन है, राशिद खान, भैया किंग खान, इनके बारे में बताने की जरूरत क्या है, T20 में कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। और इधर है अपना कुलदीप यादव भी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त गेंदबाज है, बढ़िया फॉर्म में है, लेकिन फिर भी राशिद खान जिस लेवल के गेंदबाज है ना उस बिहार पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं, कौन ये कुलदीप यादव, बुरा मत मानना अपने देश के लेकिन राशिद खान यार तगड़ा गेंदबाज है। उसके बाद और आगे चले इधर है अर्शदीप सिंह ने मतलब जब से इंटरनेशनल T20 खेलना स्टार्ट किया हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करके दिए, किसने, अर्शदीप सिंह ने, इनकी जो करंट परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। और इधर है मुजीबुर रहमान की बात करें तो मुजीब की भी जो गेंदबाजी होती है ना भाई साहब ये हमेशा अच्छी होती है, न्यू बॉल से भी चाहे करवा लो चाहे मिडिल में करवा लो, तो कहीं ना कहीं जो मुजीब है ना बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है किससे, अर्शदीप सिंह से, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। उसके बाद और आगे चले तो इधर है नवीन उल हक ने पिछले एक साल में जो T20 की परफॉर्मेंस करी है ना भाई साहब काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त है, पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट से खेला आपने देखा। और इधर है कौन, आवेश खान भी लखनऊ सुपर जायंट से खेलते थे लेकिन जितनी अच्छी परफॉर्मेंस नवीन उल हक ने करी थी उतनी अच्छी आवेश खान ने नहीं करी थी, इसलिए ये भी लखनऊ में है, ये चले गए राजस्थान में, तो मुझे लगता है जो नवीनुल हक की परफॉर्मेंस है ना वो आवेश खान से बेहतर है, तो नवीनुल हक आगे आवेश खान थोड़ा सा पीछे। और आगे चले इधर है मुकेश कुमार का शुरू में जब खिलाया जाता था मुझे लगता है भाई सब क्यों खिलाते हैं इनको, लेकिन अभी समझ में आता है जो वेरिएशन करते हैं जो स्विंग करवाते हैं मतलब सारी कला इनके पास है, तो इसलिए इनको टाइम दिया जा रहा था, उस टाइम का अब फायदा भी उठा रहे हैं, अब बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, कौन, मुकेश कुमार। इधर है फजल हक फारूकी की बात करें तो ये भी ऑलराउंडर गेंदबाज है, बढ़िया स्विंग के साथ बढ़िया वेरिएशन भी करते हैं, तो दोनों एक जैसे गेंदबाज हैं, तो फजल हक फारूकी और मुकेश कुमार का जो मामला है वो मुझे बराबर का नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद देखें तो बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं जो
इंडिया की टीम है ना वो अफगानिस्तान से बेहतर नजर आ रही कहां पे बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में। लेकिन ऑलराउंडर्स की बात करें तो कहने की जो अफगानिस्तान के पास ऑलराउंडर हैं जो इंडिया के ऑलराउंडर है ना इनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में बराबर की नहीं पूरी पूरी टक्कर दे रहे हैं अफगानिस्तान किसके इंडियन गेंदबाजों को। तो अगर हम यहां पे देखें तो इंडिया सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में बेहतर नजर आ रहा है बल्लेबाजी में, बाकी ऑलराउंडर गेंदबाजी में ना दोनों टीमें एक जैसी ही नजर आ रही हैं। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के बिहाफ पे कंपेरिजन करें तो इंडिया ने अपने आखिरी के छह मैच में चार मैच जीता बस दो मैच हारा, यानी इंडिया बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है जबकि इसमें प्रॉपर सारे खिलाड़ी नहीं होते तो बहुत बदलाव भी करते हैं। आप सबको पता कभी सूर्य कुमार यादव कप्तान कभी हार्दिक पांड्या पता नहीं किसको किसको बनाते रहते हैं। और इनकी बात करें तो आखिरी के छह मैच में सिर्फ दो मैच जीता चार मैच हारा। तो अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं आखिरी के छह मैचों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके नहीं आया। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 167 167 का जो बल्लेबाजी एवरेज होता है ना इसे हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। इंडिया की बात करें 193 193 का ये होता है ना खतरनाक बल्लेबाजी एवरेज। गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 8.32 जो गेंदबाजी एवरेज होता है हम इसे ठीक ठाक कहेंगे ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, मतलब देखे तो बल्लेबाजी एवरेज खतरनाक गेंदबाजी एवरेज ठीक ठाक तभी जो चार छः मैच में से एक दो मैच हारे ना इसलिए हारे और चार मैच जीते। वहीं अफगानिस्तान की गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो 8.35 मतलब इनका भी गेंदबाजी एवरेज है ठीक ठाक है बल्लेबाजी एवरेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इसलिए आखिरी के छह मैच में बस दो ही जीते चार मैच इनको हारना पड़ा। तो रिजल्ट में जो भारत की टीम है अफगानिस्तान से बहुत ही ज्यादा बेहतर है, बल्लेबाजी एवरेज में भी जो इंडिया की टीम है अफगानिस्तान से बहुत बेहतर है लेकिन गेंदबाजी एवरेज देख लो एक जैसा है। तो मतलब गेंदबाजी एवरेज में जो अफगानिस्तान की टीम है भारत को पूरी टक्कर देती नजर आ रही। तो क्या होगा आज के इस मैच में आपको रिजल्ट तो सीधा सीधा दिख रहा होगा लेकिन कुछ भी हो सकता है। चलो मैं आपको बताता हूं क्या कुछ भी हो सकता है लेकिन उससे पहले बस छोटू सा काम कर दो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कर लिया बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक भी कर दो कर लिया बहुत बढ़िया। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें जो मैच है ना 70 और 30 70 टीम इंडिया 30 टीम अफगानिस्तान। और दोस्तों मुझे भी यह लगता है जो आज का मैच है ना टीम इंडिया अपने नाम पे कर सकता है। बाकी आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो क्योंकि आपको पता है ना इस मैच के अलावा और भी बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं और उन सभी मैचों की जो प्रेडिक्शन वीडियो है ना वो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन सभी की प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगी कहाँ पे टेलीग्राम पे वो भी जबरदस्त वाली। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पे लिंक मिलेगी जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अफसर प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है ज्वाइन कर डालो अगर आपको सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन चाहिए तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।